गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? होप एवरीबडी इज फाइन एंड गोइंग ऑन वेल। जी वाशु, निर्मल, वेरी गुड इवनिंग। सो गाइज, लेट मी टेल यू दैट लॉन्ग टाइम इट हैज बीन कि हम कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं कर पाए, तो स्पेशली मुझे प्रैक्टिस सेशन लेना पड़ा जिससे कि हम देख लें कि आज से हम इसे शुरू कर रहे हैं। तो टुडे वी डू हैव दिस सेट 3 ऑन द प्रैक्टिस फॉर एलटी सुपर टेट एंड टेट सी टेट एग्जामिनेशन। बेसिकली आई हैव टेकन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिटरेचर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जी बच्चों, लगभग सभी बच्चे आ गए हैं क्लास में, तो ये एक अच्छी बात है। स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द क्लास। निर्मल, वासु, रुचि जी, आबिदा, रवि, सो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपने वर्क को, है ना। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, आज हमने एक शॉर्ट सेशन लिया है बिकॉज आई वॉज बिजी इन समथिंग। अब थोड़ा सा उससे फ्री हुए हैं तो आज से अपने वर्क को शुरू कर लेते हैं। टुडे आई हैव टेकन 20 क्वेश्चंस फॉर यू, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोज एंड ड्रामा। तो उन क्वेश्चंस को बच्चों हम शुरू करते हैं देखना। जी वीना, रुचि आज, हाँ जी रुचि बिल्कुल, क्लास होगी आज आपकी 8 o'clock। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना। बल्कि पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो इसमें वर्क देखा है वो हमारा क्या क्या है बच्चों। ये हमारा वर्क है प्रोज एंड इट्स मेजर फॉर्म्स का, प्रोज एंड इट्स मेजर फॉर्म्स। देखो हमें प्रोज को समझना है, उसकी मेजर फॉर्म्स को समझना है। तो हम इसमें कैसे देखेंगे, हम बात करते हैं लॉन्ग प्रोज वर्क्स की। लॉन्ग प्रोज वर्क्स कौन से हैं? एसे, पीरियोडिकल जर्नल्स, है ना, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, द मेमर्स। इसमें से क्वेश्चन बनने की कैसी कंडीशन है, लाइक वो आपसे पूछ ले मेमर्स कैसा है, प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है, आपको बताना होता है। ठीक है बच्चों, ऑटोबायोग्राफी को, बायोग्राफी को, जर्नल्स को, इनको सबको समझेंगे तो ये सारे प्रोज के अंडर में आते हैं। यानी आप 3 फॉर्म्स को जानते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं आपकी लिटरेचर की, प्रोज, पोएट्री एंड स्टूडेंट्स ड्रामा। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपके आते हैं, तो ये सारे प्रोज के अंडर में आएंगे। अगली कंडीशन देखते हैं, ये आपने कर भी रखा है और आप इसको ध्यान भी देना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं। जी नहीं ज्योति, करियर बिल पे बेटा क्लास होगी आपकी, आप देखेंगे तो शेड्यूल में है क्लास, आज की क्लास इवनिंग में 8 to 9 आपकी क्लास करियर बिल पे भी होगी। ठीक है, बात सब बच्चों को समझ में आ गया। जी तो बच्चों इसमें जितने वर्क्स हैं सारे ही आपको देखने हैं। मैलरी का कौन सा वर्क है, मॉर्टिडी और चौसर, वाइक्लिफ, रोजर एस्टेम, है ना, होलिनशेड, बुकर, बर्टन, बेकन, और आगे भी मैंने इसमें काफी सारे वर्क्स दिए हैं, जोनाथन का, स्विफ्ट का, बटलर का, बर्कले का, है ना, गॉडविन का, पॉलिटिकल जस्टिस आप देखते हैं। ये जो बर्कले का, गॉडविन का है पॉलिटिकल जस्टिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे हम इसी तरह से इस वर्क को देखते हैं, फ्रांसिस बेकन की काउंसिल से, बेन जॉनसन का, डिस्कवरीज है, टिम्बर है ना, इनको देखते जाएंगे। तो ये सारे वर्क करने के बाद आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे बच्चों। तो जरा चेक करेंगे यहां पे क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे बनेंगे, हम जरा शुरुआत करते हैं। आज मैंने आपके लिए स्पेशली 20 क्वेश्चंस को लिया है। अच्छा, इट माइट बी रवि के और क्लासेस ड्रॉप थी, लेकिन मैंने स्पेशली सब बच्चों से क्योंकि प्रॉमिस किया था कि भाई हम सैटरडे में क्लास लेंगे क्योंकि हमारी 3-4 दिन क्लास ऑफ रही है, तो आज हम क्लास करेंगे बच्चों वहां पे। ठीक है जी। अच्छा, चैट शो नहीं होता है प्लग, ओके माइट भी बेटा कोई एरर हो, बट उसे देख लेंगे आप जैसे भी है। तो बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या जाएगा, विच इज बिलीव्ड टू बी द अर्लीएस्ट। देखो क्या कह रहे हैं, अर्लीएस्ट लॉन्ग प्रोज वर्क इन इंग्लिश, कौन सा इनमें से लॉन्ग प्रोज वर्क इंग्लिश का माना जाता है, फाइंड आउट करें सब बच्चे क्या आंसर हमारा होना चाहिए। हां जी बताइए सब बच्चे, मेलेडीज मॉर्टिडी ऑर्थर है, थॉर्टन्स मॉर्टिडी ऑर्थर है, या बच्चों रोजर एस्टेम्स का स्कूल मास्टर है, या होलिनशेड की क्रॉनिकल है, कौन सा इनमें अर्लीएस्ट लॉन्ग प्रोज वर्क माना जाता है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो बनेगा हमारा आंसर ए, मेलेरी का मॉर्टिडी ऑर्थर, बहुत जबरदस्त है। और बच्चों सबको पता है ये ऑर्थर जो है यहां पे कौन है, किंग ऑर्थर, किंग ऑर्थर, किंग ऑर्थर एंड हिज नाइट्स ऑन द राउंड द टेबल, वे ही सबके सब इसकी कहानी में यही लीजेंड्स बने हैं। तब मेलेरी का मॉर्टिडी ऑर्थर
अर्लीएस्ट लॉन्ग प्रोज वर्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गेटिंग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर टू, द लीजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल वॉज फर्स्ट रिलेटेड इन प्रोज बाई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है, किंग आर्थर है और उसके नाइट्स है राउंड टेबल पे, ये रिलेट किया गया था प्रोज में किसके थ्रू, तो आंसर करेंगे सब बच्चे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर अगेन हमारा क्या बनेगा, बी, क्योंकि वही मेलरी का आंसर है, मेलरी का मोर्टिडी आर्थर। करेक्ट बच्चों, जो पीछे हमने क्वेश्चन देखा वही इसका अगेन आंसर बन जाएगा आपका। जी आरती बेटा, अभी ग्रामर के भी हम लेंगे, लेकिन अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं, लिटरेचर पे। आज क्योंकि हमें कई दिन हो गए थे तो आज मैंने इस सेशन को अचानक से ले लिया है सब बच्चों के लिए। थर्ड नंबर पे देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लायमंस ब्रट, सब बच्चों को देखना है लायमंस ब्रट की सेंट्रल थीम क्या थी, ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, विक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स एट द राउंड टेबल, या फिर डायनेस्टी ऑफ इंग्लिश मोनार्क्स। आंसर करें सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आपका क्या बनेगा, इट वुड बी सी, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑन द राउंड टेबल, ये ऑन है बच्चों, ऑन द राउंड टेबल, करेक्ट एवरीवन। तो लायमंस ब्रट की मेन थीम्स क्या थी, किंग आर्थर के ऊपर बेस थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वाइक्लिफ्स बाइबल, वाइक्लिफ की जो बाइबल लिखी गई थी, ट्रांसलेशन उन्होंने किया था बच्चों, वो ट्रांसलेशन कैसा था, वो जो ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक टेक्स्ट, हेब्रू टेक्स्ट, लैटिन टेक्स्ट, या फिर एंग्लो सैक्सन टेक्स्ट, तो आंसर करें सब बच्चे। अच्छा हां रवि, रवि हम अगर देखेंगे तो स्पेशली ऐसे नहीं मिलते हैं हमें ये क्वेश्चन, ज्यादातर बेस्ड होते हैं हमारे किसके, जो कमिंग एग्जामिनेशन आपका जूनियर वाला, जूनियर सी टेट, जूनियर सुपर टेट। जी रोबिन, मैंने आपको बता दिया बेटा, सभी बच्चे समझ लेंगे इसको, तो आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा, लैटिन टेक्स्ट, तो इसमें आंसर हमारा लैटिन टेक्स्ट बनेगा, ये लैटिन टेक्स्ट भी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फाइव नंबर, इन विच ईयर डिड जॉन वाइक्लिफ रेंडर द बाइबल इनटू इंग्लिश, मतलब एक तरह से बाइबल, बाइबल को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो वो कौन सा ईयर था हमें देखना है। जी बिल्कुल जी, ये सुपर टेट जूनियर के लिए, तो आंसर क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का, हम बी आंसर बनाएंगे, 1380, ये 1380 की बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीएस्ट वर्जन ऑफ द बाइबल, बाइबल का अर्लीएस्ट वर्जन इनमें से कौन सा है, विलियम टिंडल का इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट, या फिर माइल्स कवरडेल का, क्रॉमवेल का ग्रेट बाइबल, या फिर किंग जेम्स का ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, तो बताएं सब बच्चे इनमें सबसे पुराना हमारा कौन सा बनेगा। यस बच्चों, तो आंसर बिल्कुल आपका क्या बनेगा यहां पे, ए बनेगा, विलियम टिंडल्स इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट। समझ में आ रही है बात, वैसे भी आप जानते हैं टिंडल ने सबसे पहले हम देखे तो इसको न्यू टेस्टामेंट को, हां जी, ट्रांसलेट किया था, तो विलियम टिंडल का इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट, दैट इज, दैट वॉज द अर्लिएस्ट वर्जन ऑफ द बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज द ऑथर ऑफ नोवम ऑर्गेनम, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको यह बताना है कि ऑथर कौन है नोवम ऑर्गेनम का, बेकन, मैलरी, बेन जॉनसन, या फिर हॉलिनशेड, आंसर करें सब बच्चे, सेवन नंबर का क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर सेवन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन बेकन जाएगा, बहुत अच्छे, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कुंदन, इट्स ऑल राइट, तो बच्चों आंसर आपका ए जाएगा, फ्रांसिस बेकन, सब लोग जानते हैं फ्रांसिस बेकन वॉज द ऑथर ऑफ नोवम ऑर्गेनम, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ रिलीजियो मेडिसी, रिलीजियो मेडिसी जो वर्क है इसके ऑथर कौन थे, क्या ये मिल्टन थे, सर थॉमस ब्राउनी थे, ड्राइडन थे, या बच्चों थॉमस होब्स थे, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हमारा क्या बनेगा, 100% बनेगा सी, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सर थॉमस ब्राउनी,
हां जी, 8 नंबर का आपका आंसर बनेगा सी। सब बच्चे ध्यान से देखें, रिलीजियो मेडिसिन का आंसर भी पूछा गया, रिलीजियो मेडिसिन का मींस क्या है? तो रिलीजियो मेडिसिन का मींस है रिलीजन ऑफ अ फिजिशियन, एक फिजिशियन यानी डॉक्टर का रिलीजन, यही रिलीजियो मेडिसिन का सब्जेक्ट मैटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ मिल्टन्स एरियोपेगेटिका, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ मिल्टन्स एरियोपेगेटिका, तो बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मिल्टन का एरियोपेगेटिका जो उन्होंने लिखा था, तो इसका क्या, डिफेंड द कोज ऑफ द रेजिसाइड्स, टू कंडेम द डीड्स ऑफ द रेजिसाइड्स, डिफेंड द पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर प्रोपेगेटिंग फेथ इन प्योरिटेनिज्म। जी निर्मल, इसका पीडीएफ बेटा हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, 9 का आप लोगों ने क्या आंसर दिया है? 9 का डी आंसर दिया है मीनाक्षी। ओके, प्रोपोगेट द फेथ, याद रखो एरियोपेगेटिका एरियोपेगस पर्वत के यानी कि माउंटेन के नाम पे लिया गया था, इसमें वो बात करते हैं पीपल के फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी। अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ू बच्चों, तो क्या बनेगा, आर्टिकल 19 का 1, है ना, आर्टिकल 19 का 1 बनेगा, क्योंकि वहां पे हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पे आते हैं, मिल्टन ड्राइव द टाइटल ऑफ इज एरियोपेगेटिका, देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्क है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरियोपेगस, हु और व्हाट वाज एरियोपेगस, एरियोपेगस बेसिकली था क्या, हमें यह देखना है। हां जी, प्रेस फ्रीडम है, बिल्कुल वासु करेक्ट बात होगी। तो बच्चों बताओ, ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी है, ग्रीक मोनार्क हु डिफेंडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच बोल्ड हेल्ड, या फिर ग्रीक स्टेट्समैन हु चैंपियन्ड द कॉज ऑफ लिबर्टी ऑफ स्पीच, क्या आंसर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बच्चों बनेगा सी। एक्चुअली एरियोपेगस क्या था, अ ग्रीक हिल, ये हिल का नाम था, मैंने अभी बताया था आपको माउंटेन या हिल, वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड, डन हो गया। हां जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे जी। जूही आप देखेंगे बेटा, जूही आप देखेंगे तो इंग्लिश की क्लास बेटा लगी हुई है आज, जहां तक मुझे पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ थॉमस ब्राउनीज हाइड्रोटेफिया, हाइड्रोटेफिया जो वर्क है थॉमस ब्राउनी का, इसकी सेंट्रल थीम क्या है आपकी? तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपका क्या जाएगा, सी। क्या है उसका, डिफरेंट मेथड्स हाउ टू डील बॉडीज वर्स डिस्पोज्ड हो, ठीक है बात, मतलब जो डिफरेंट बॉडीज हैं डेड बॉडीज वो किससे डील करती हैं, इसी पे, इस पे डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं हाइड्रोटेफिया में, किसने लिखा था, थॉमस ब्राउनी ने, ठीक है जूही, ऑल राइट। अगला देखेंगे बच्चों, हु वॉज द ऑथर ऑफ एशे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये किसने वर्क लिखा था, इसके ऑथर कौन है, आपको फाइंड आउट करना है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, आंसर बनेगा बच्चों सी, जॉन लॉक, इट वॉज जॉन लॉक। अगर आपको पता हो जॉन लॉक का इंपॉर्टेंट वर्क क्या जाता है, जो एक चाइल्ड का माइंड है वो कैसा है, क्लीन स्लेट की तरह है, टेबुला रासा, ये बहुत बार पूछा गया, टेबुला रासा, टेबुला रासा का मीन्स क्या होता है, क्लीन स्लेट, मतलब आप उसमें जो चाहे लिख सकते हैं, ऐसा एक बच्चे का माइंड होता है, तो इसे टेबुला रासा उन्होंने बेसिकली कहा है, बहुत बार पूछा गया है, तो इन्हीं का वर्क लिखा होता है एशे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जी बिल्कुल जूही। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ साल्टर रिजाल्टस, साल्टर रिजास्टर वर्क है, तो इसका मतलब लिटरल मीनिंग क्या था, द टाइटल वॉज गिवन बाय कार्लाइल टू वन ऑफ हिज ग्रेट ट्रीटीज इन प्रोज, तो बताओ बच्चों साल्टर रिजाल्टस का बेसिकली मीन्स क्या है, फिलोसॉफी ऑफ प्री थिंकिंग, फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स, फिलोसफी ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, या फिलोसफी ऑफ रीअवेकनिंग, क्या बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? तो 13 का बच्चों बनेगा हमारा बी आंसर, फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स, फिलोसफी ऑफ क्लॉथ्स, ये साल्टर रिजाल्टस है। हां जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, चौसर डेडिकेटेड हिज ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलेब टू, तो बताएंगे सब बच्चे, चौसर ने जो डेडिकेट किया था अपनी ट्रीटी को, ट्रीटी ऑन द एस्ट्रोलेब, ये किसको की थी, बताइए आप इसमें से, हिटसन लेविस, वाई फिलिप्पा, या फिर हिज फेलो पोएट लैंगलैंड, या फिर किंग रिचार्ड सेकेंड। जी मैं बिल्कुल ठीक है, क्लॉस बनेगा बेटा।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या जाएगा आपका, ए, अपने सन लुइस को, अपने सन लुइस को इन्होंने इसको डेडिकेट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते सैमुअल पेपी, अगर आपको याद हो बच्चों पेपीज डायरिस्ट थे, सैमुअल पेपीज डायरी वॉज रिटन इन कोडेड लैंग्वेज, वेन वॉज इट डेसिफर्ड, डेसिफर का मीन्स होता है उसका मीनिंग पता चलना, उसका मीनिंग हमें कब पता चलता है आके। अच्छा गिरिराज स्पेशली सीटेट के लिए तो बेटा ये क्वेश्चंस नहीं है, सीटेट के लिए हम कल क्वेश्चंस लेके आएंगे, कल मतलब मिक्स क्वेश्चन होंगे सबके, आज हमने स्पेशली क्योंकि सब बच्चों का सुपर टेट वाला बिल्कुल नजदीक में एग्जाम है तो उसी के लिए क्वेश्चंस लिए हैं। 1969, ओके ठीक है, सब बच्चे बताएं आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ये डी जाएगा बच्चों डी। अगर आप देखेंगे पेपीज एक्सेट्रा को ये हमें किस में मिलते हैं, 1825, तो डेसिफर यहां पे किए गए थे, मिले हमें पहले गई थी लेकिन हम इसे कहां पे डेसिफर करते हैं 1825 में। हु इज ऑथर ऑफ मिस्टर बेडमैन, मिस्टर बेडमैन के इनमें से ऑथर कौन है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें तो क्या बनेगा, सी जॉन बेनियन, तो इट वॉज रिटन बाई जॉन बेनियन। गेटिंग एवरीवन, जी निधि ये सुपर टेक बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जो जूनियर वाला अभी 17th को आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सब बच्चे, हु कोल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज या फिर बच्चों हमारे हेजलिट ने कहा, तो किसने कहा था एज ऑफ प्रोज एंड रीजन 18th सेंचुरी को। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका क्या बनेगा, 100% ए बनेगा, बहुत अच्छे शालू, जूली, जूही, मीनाक्षी, बहुत अच्छे निधि, तो ये आंसर बच्चों ए बनेगा आपका। मैथ्यू आर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी को क्या नाम दिया था, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु इज द ऑथर ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, देखो क्या वर्क है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, एडमंड बर्क, विलियम गॉडविन, रॉबर्स्टन या फिर गिबन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे तो बच्चों 18 का आंसर आपका बनेगा एडमंड गिबन। ये गिबन थे जिन्होंने वर्क लिखा था द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, राइट एवरीवन। हां यूपी टेट में बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन स्नैपी, क्योंकि वहां पे लिटरेचर आपकी आती है, बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। व्हाट इज रस्किन्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, अगर बच्चों मैं बता दूं रस्किन का जो वर्क है अनटू दिस लास्ट, ये ऐसा वर्क है जिसे गांधी जी ने बहुत ज्यादा जबरदस्त रूप से फॉलो किया था, गांधी जी से इतने अफेक्टेड थे, इतने एनकरेज थे कि उन्होंने इस वर्क को फॉलो किया था और इसी को फॉलो करने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। तो कहता है कि रस्किन का जो अनटू दिस लास्ट है क्या है, तो सब बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या बनेगा, लास्ट फिलोसॉफिकल बुक है, लास्ट कलेक्शन ऑफ एसेज है, या बच्चों लास्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म है, या लास्ट पॉलिटिकल ट्रीटीज है। 19 का हमारा आंसर क्या बनेगा, ओके 19 का बी आंसर बनेगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिज लास्ट एसेज, हिज लास्ट कलेक्शन ऑफ एसेज, तो आंसर बच्चों हमारा बी बनेगा। समझ में आ गया सबको, जी जूही बिल्कुल कराएंगे बेटा, लेकिन कल लेंगे इस चीज को प्रैक्टिस वाली को जो ग्रामर की है। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ लेटर डे पैम्पलेट्स, लेटर डे पैम्पलेट्स का हमारा किसने लिखा था, मैकाले, डब्ल्यूएस पेटर, रस्किन या बच्चों कार्लाइल, तो सब बच्चे आंसर बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों बनेगा, हां थॉमस कार्लाइल, बहुत अच्छे, बिल्कुल अनंता ये करेक्ट आंसर है आपका, तो आंसर हमारा थॉमस कार्लाइल बनेगा। गेटिंग एवरीवन, जी बच्चों करेक्ट होगी बात, समझ में आ गई है। अब जरा सब बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर अगले क्वेश्चन, अच्छा देखो आज हमने 20 क्वेश्चन ही सब बच्चों के लिए लिए थे, समझ में आ रही है बात आपको, बेसिकली मैं बता दूं ये क्वेश्चंस आपके सुपर टेट के लिए हैं जो सब बच्चों को देना है कितनी डेट में, सुपर टेट यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, है ना, यूपी टेट सुपर टेट
इन दोनों के लिए बेसिकली है 20 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है काहे के लिए आपके लिटरेचर वाले। टुमैरो भी बच्चों आपकी क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल भी हम आपकी क्लास को कंडक्ट करेंगे और कल वाले में हम मिक्स क्वेश्चन रखेंगे, ग्रामर वाले भी होंगे और बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। क्योंकि कई दिन हो गए थे तो मैंने इसको एक रेंडमली क्लास आपकी ले ली है, तो इस वर्क को जरूर करें सब बच्चे। इस वर्क का आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, है ना, यही टेलीग्राम जो जुड़ा हुआ है आपका, इस पे आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू बच्चों। और करियर विल वाली क्लास आपकी बिल्कुल है, और कितने बजे है एग्जैक्टली, इट वुड बी एट 8 o'clock। थैंक यू बच्चों।